16 दिसंबर 2012 की रात जब निर्भया और उसका दोस्त दिल्ली के साकेत मॉल से मूवी देखकर बाहर आए तो उन्होंने काफी देर तक ऑटो का इंतजार किया। कई ऑटो वालों से चलने को कहा लेकिन कोई भी ऑटो वाला जाने को तैयार नहीं हुआ और उसके बाद वो हुआ जो शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था। तंग आकर निर्भया और उसका दोस्त एक प्राइवेट बस में सवार हुए। बस कुछ दूरी पर पहुंची तो बस में बैठे युवकों ने निर्भया से बदसलूकी शुरू की। जब उसके दोस्त ने इसका विरोध किया तो युवकों ने निर्भया का रेप करने की कोशिश की और जब उसके दोस्त ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन्हें घायल कर दिया। और निर्भया के साथ बस में मौजूद अक्षय, मुकेश, विनय, पवन, ड्राइवर राम सिंह और एक नाबालिग ने बारी बारी से गैंगरेप किया। जाहिर सी बात है, अगर निर्भया और उसके दोस्त को उस वक्त कोई ऑटो मिल जाता तो शायद ये वारदात न होती। रात के वक्त हर कोई घर पहुंचना चाहता है, ऐसे में इसके लिए कोई सुरक्षित साधन मिल जाए तो फिर क्या कहने। दिल्ली की सड़कों पर ऑटो वालों का एक बहुत अहम रोल है। ऐसे में ऑटो वाले महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितने संवेदनशील हैं, इसका भी हमने किया रियलिटी चेक। वक्त रात 10:30 बजे, जगह जीटी करनाल रोड, नॉर्थ दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर हमारी संवाददाता ने ऑटो वालों का रियलिटी चेक किया। दिल्ली की सड़कों पर जब हमारी संवाददाता शिवानी मुटरेजा रियलिटी चेक के लिए उतरी तो उन्होंने देखा कि पहले तो कई ऑटो और कैब वाले महज एक अकेली लड़की को देखकर निकल गए। रात को 10:30 बजे लोग एक अकेली लड़की की मदद करने के बजाय अश्लील इशारे कर रहे थे। आप जाओ, मैं चली जाऊंगी, जहाँ जाना। आखिरकार एक ऑटो वाले ने रुकने की जहमत उठाई। हमारी संवाददाता ने शाहदरा जाने के लिए पूछा तो सुनिए ऑटो वाले ने क्या कहा। शाहदरा, 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 कैसे हो? मैं ही हूँ अकेली। कितने रुपए? तो आप देख सकते हैं ये एक बदलाव है जो हमारे साथ है। भैया, हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि एक अकेली लड़की को देख के आपने ऑटो ले जाने से मना नहीं करा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली का ये ऑटो वाला तो रियलिटी चेक में पास हो गया। रात को 10:30 बजे ये शाहदरा जाने को तैयार हो गया, लेकिन क्या सभी ऑटो वाले मीटर से जाने के लिए तैयार होंगे? हमने कुछ और ऑटो वालों से जानने की कोशिश की। इस बार हमारी संवाददाता शिवानी ने द्वारका जाने के लिए पूछा। ऑटो वाले ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन रात में अकेली लड़की से कुछ एक्स्ट्रा पैसा वसूलने को तैयार था ये ऑटो वाला। द्वारका चलोगे? द्वारका कितने घंटे में है? सेक्टर 5 में आगे है। हाँ, आगे है। हाँ जी, मीटर से चलते हैं। मीटर से चलो। कितने आ जाते मीटर से? आ जाते हैं 200 के करीब। आप मीटर से चलो ना, मीटर से क्यों नहीं चल रहे? बेटा, घर पे जाने का काम हो रहा है। आपकी कोई ड्यूटी भी तो है ना भैया, कोई लड़की अकेली खड़ी है तो उसे घर पहुंचा दो। बेटा, ड्यूटी तो सुबह से कर रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा दे देना तो हम आज। तो ये भी एक बदलाव है जो आप देख रहे हैं। ऑटो वाले भैया हमें मीटर से लेके जा रहे हैं, हालांकि मैंने इन्हें काफी फोर्स किया है, बट स्टिल ये मान गए हैं। आपको देख के मैंने गाड़ी रोकी ना, मैं सीधे चले जाते। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, आपने गाड़ी रोकी है। जाहिर सी बात है, इस बार भी ऑटो वाले ने अकेली लड़की को घर छोड़ने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन मजबूरी का फायदा उठाकर नियम के खिलाफ अधिक पैसे की मांग जरूर की। सवाल ये उठता है कि दिल्ली में ये कल्चर कब आएगा कि हाथ दिया और ऑटो में बैठ गए। ये तो था नॉर्थ दिल्ली का हाल। अब हम आपको लेकर चलते हैं राजधानी के पौश इलाके साउथ दिल्ली, यानी वो जगह जहां पर कुछ दरिंदों ने निर्भया के साथ खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था।
हमारी संवाददाता ऋचा तिवारी ने साउथ दिल्ली में ऑटो वालों का रियलिटी चेक किया। देखते हैं यहाँ के ऑटो वाले महिलाओं की सुरक्षा और उनकी परेशानी को लेकर कितने संवेदनशील हैं। वक्त रात 10:30 बजे, जगह मुनीर का साउथ दिल्ली। जागीरपुरी जाएंगे? हाँ जी। कितने सवार हैं? एक माह के लिए। और रहे हैं? मीटर से चलो। मीटर से 20 रुपए ज्यादा दीजिएगा। क्यों 20 रुपए ज्यादा? तो मुझे लगता है खाली आना पड़ता है, कुछ नहीं मिलता। तो खाली आओगे तो आप मुझसे थोड़ा ना लोगे। चलोगे नहीं चलोगे? बैठो ना। ये ऑटो वाला हमारी संवाददाता को घर छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन पैसा मीटर से ज्यादा मांग रहा था। सवाल उठता है कि क्या हर जगह ऐसा ही नजारा दिखाई देगा? हमारी संवाददाता ने कुछ और ऑटो वालों से बातचीत करने की कोशिश की। ये पूरी बातचीत हम छिपे हुए कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे थे। हमारी संवाददाता लगातार ऑटो वालों से मीटर से जाने के लिए कह रही थी। कितना? 300 तो ज्यादा बोल रहे हो। मीटर से चल लो, मीटर से चल लो ना। नहीं चलो, कोई बताए वो मीटर से चल लो। नहीं क्यों? मीटर से चलने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ ने इनकार किया तो कुछ ऑटो वाले थोड़ी नानुकुर के बाद मीटर से चलने को तैयार हो गए। शालीमार बाग। हाँ जी। कितने सवारी? मैं ही हूँ। राजा गार्डन से दूसरी गाड़ी करा? नहीं नहीं, वही शालीमार बाग तक छोड़ो ना। राजा गार्डन से मुझे दूसरी, शालीमार गार्डन ए ब्लॉक जाना। कितना? मीटर से बैठ जाओ। हालांकि यहाँ पर ज्यादातर मामलों में ऑटो वाले लड़कियों को घर छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन पैसा मीटर से ज्यादा ही चाहिए था और कुछ ऑटो वालों के पास बहाने भी थे। तो मीटर से आएगा तो मैं 250 भी दे दूंगी। नहीं रात है तो आप इसका मतलब ये थोड़ी ना, कितना भी मर्जी बोलोगे। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। अरे भाई कुछ ये द्वारका चलेंगे? द्वारका नहीं, क्यों? तो क्या हुआ, क्या दिक्कत क्या है ये तो बताओ। पता नहीं, रास्ता नहीं पता? अच्छा, ऑटो चला रहा आपको रास्ता नहीं पता। हालांकि काफी मशक्कत के बाद मुनिरका में हमें एक ऑटो वाला मिला जो रात में अकेली लड़की की मदद करने के लिए उसे मीटर से घर तक छोड़ने को तैयार था। हमारा कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था किस तरह मुनिरका में ऑटो वालों ने अकेली लड़की को घर छोड़ने के लिए मीटर से ज्यादा पैसे मांगे। हमने दूसरे इलाकों में जाकर भी ऑटो वालों का रियलिटी चेक किया। देखते हैं वसंत कुंज में ऑटो वालों का क्या रुख था। वक्त रात के 11 बजे, जगह वसंत कुंज साउथ दिल्ली। रात को 11 बजे वसंत कुंज के बस स्टॉप पर MH1 न्यूज संवाददाता ऋचा तिवारी ऑटो का इंतजार कर रही थी। रात की ठंडक में ऐसा इंतजार किसी भी लड़की के लिए बेहद मुश्किल था। तेजी से भागती हुई गाड़ियों में से कुछ की नजर हमारी संवाददाता पर पड़ी। हालांकि ऑटो वालों ने रुकने की जहमत नहीं उठाई। एक के बाद एक ऑटो तेजी से संवाददाता ऋचा तिवारी के सामने से गुजर गए। काफी देर की कोशिशों के बाद कुछ ऑटो वाले MH1 न्यूज संवाददाता के हाथ देने पर रुके, लेकिन जब संवाददाता ऋचा तिवारी ने द्वारका जाने के लिए पूछा तो आप भी सुनिए क्या जवाब मिला। मीटर से? हाँ। कितना? 250 तो ज्यादा, मीटर से चल लो। नहीं भैया थैंक यू। ऑटो वाले ने वसंत कुंज जाने से इनकार कर दिया। MH1 न्यूज संवाददाता की कोशिशें जारी रही। ऑटो मिलने पर यहाँ पर मुश्किल हो रही थी। इस बीच एक और ऑटो वाला हाथ देने पर रुका। यानी ऑटो वालों के बीच कुछ ऐसे लोग भी मिले जो महिलाओं की मदद के लिए तैयार थे और उन्हें मीटर से घर छोड़ने में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई। मीटर से जाती हूँ मैं तो। कितना बढ़ता है? ऐसे बढ़ता है 100-150 के आसपास। हाँ मीटर से जाएंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे ऑटो वाले भी मिले जो घर छोड़ने को तो तैयार थे,
लेकिन उन्होंने रात को अकेली लड़की से ज्यादा पैसे की मांग की। हमने ऑटो वालों से बातचीत करके महिलाओं को लेकर उनकी इन संवेदनशीलता के बारे में जानने की कोशिश भी की। नहीं, कई ऑटो वाले जैसे रुके जिन्होंने मना कर दिया जाने से कि भी हमारे रूट पे नहीं पड़ता, रूट पे नहीं, मुझे नाइट में चलाना है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो मीटर से ही जाते हो या फिर मीटर से जैसे बैठ जाए नाइट में? बदलाव आया है मैडम, जैसे चार्ज जाने को तो सभी जाते हैं, बहुत से हैं उसी हमारे कमरे की तरफ सवारी मिले। तो रास्ते पे पुलिस दिखती है, नाका दिखता है? साउथ दिल्ली की सड़कों पर ज्यादातर ऑटो वाले घर छोड़ने को तैयार थे, कुछ ने ज्यादा पैसे की डिमांड की। स्थितियां आदर्श तो नहीं लेकिन थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है। तो कुछ बदलाव तो जरूर आया है। रात के 11:30 बजे हम यहां खड़े हैं, सुनसान रोड है। कई ऑटो वालों को हमने रोका, कुछ ने जाने से इनकार कर दिया, कुछ ने पैसे इतने मांगे कि वो दोगुना किराया था। लेकिन कुछ ऑटो वाले हमें ऐसे भी मिले जो अपने रूट से हटकर हमें उस जगह तक छोड़ने के लिए तैयार हुए जहां हम जाना चाहते थे। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और ऑटो के बाद हम बात करेंगे दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस रात में कितनी सजग रहती है। साउथ दिल्ली में तो हमें दिल्ली के दूसरे इलाकों से ज्यादा सुरक्षा दिखाई दी। क्या ये निर्भया कांड का असर था या फिर पौश इलाका होने की वजह से इस इलाके में ज्यादा सुरक्षा बरती जाती है, हमने इसकी भी पड़ताल की। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस कितनी सतर्क है।